नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी को गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय हिंद। डियर, बात करेंगे नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी एक बड़ी अपडेट की। आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर, जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लगभग मंजूरी मिलना तय माना जा रहा था, इसी सप्ताह आखिर उस पर क्या कुछ हो रहा है। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की, जो कि 51,000 पदों पर लगातार जो भर्ती की मांगे हैं उस पर क्या कुछ हो रहा है। तो पूरे वीडियो पर अंत तक वॉच कीजिएगा, सारे डाउट को एक ही वीडियो पर समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं डियर, कि ये न्यूज आपने एक सप्ताह पहले काफी तेजी के साथ वायरल होते हुए पेपर की कटिंगों में और विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनलों पर लगातार देखी थी कि अब उत्तर प्रदेश जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करेगा सभी शिक्षकों की भर्ती, और प्रक्रिया हुई तेज। निश्चित तौर पर इस संदर्भ में जो मीटिंग थी वो लगातार हो रही थी योगी कैबिनेट की, और उम्मीदें ये भी लगाई जा रही थी कि बहुत जल्द, उम्मीद तो यहाँ तक आ गई थी कि जो मीटिंग परसों हुई थी डियर, उसी पर इसमें हरी झंडी लगना तय माना जा रहा था। निश्चित तौर पर जो इसका प्रेजेंटेशन है वो सब कुछ पेश हो चुका है सरकार के पास, लेकिन उस दिन इस पर हरी झंडी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि आप जानते हैं डियर कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है, इसमें उच्चतर के, माध्यमिक के, उच्च के और प्राथमिक तीनों को मिलाने की जो कवायद है वो की जा रही है। इसमें सदस्य कितने होंगे, शिक्षाविद कितने होंगे, अध्यक्ष कौन होगा, ये सब तरीके की जो गुणागणित है वो अंदर ही अंदर चल रही है। तो आप मान लीजिए कि आप लोगों को ये नया शिक्षा सेवा जो चयन आयोग है ये मई में काम करना हर रात में शुरू हो जाएगा। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, अप्रैल लास्ट तक इसके जो स्टेबिलिटी है, सदस्य है, अध्यक्ष है, सब कुछ कहीं ना कहीं चयनित हो रहे हैं अंदर ही अंदर, और इसी अप्रैल लास्ट तक में इस आयोग को हरी झंडी दे दी जाएगी योगी कैबिनेट के द्वारा। निश्चित तौर पर मई में ये कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप से काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि सरकार ने पहले ही आश्वासन दे दिया है कि यूपी टेट का जो आयोजन होगा वो नए आयोग के माध्यम से होगा। जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हमको करवाने हैं, जिनके फॉर्म काफी माह पहले सरकार ने भरवा लिए थे, उनको भी एग्जाम इसी नए आयोग के माध्यम से होगा। तो आयोग में पूरी तरीके से सदस्य, अध्यक्ष, चयन, ये सब कुछ चल रहा है। आप लोग पूरी तरीके से इत्मीनान तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि शासन स्तर पर तभी हरी झंडी दी जाएगी जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और तुरंत घोषित होने के बाद आयोग काम करना शुरू कर देगा। इस हिसाब से इसको हरी झंडी योगी कैबिनेट के द्वारा दी जाएगी। तो आप मान लीजिए कि मई में हर हालत में यह आयोग अपना कार्यभार शुरू कर देगा। यूपी टेट सबसे पहली प्राथमिकता होगी। अब बात कर लेते अगली खबर की। तो अगली खबर आप जानते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है, और हमारे जो साथी हैं वो लगातार 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग लखनऊ के इको गार्डन में कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं साथियों की, ये निरंतर आज 16वें दिन भी लगातार धरना प्रदर्शन अपना जारी किए हुए हैं। 16 दिन से लगातार इको गार्डन में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है, और इसी क्रम में एक विशाल जो धरने का आयोजन है वो आने वाली इसी 15 अप्रैल 2023 को एक बड़ा आयोजन लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सभी प्रशिक्षु साथी, चाहे बीएड के हों या बीएसटीसी, बीटीसी, डीएलएड, जिस किसी भी साथ से आपसे रिलेटेड हैं डियर, आप लोग इस नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो आंदोलन होने जा रहा है 15 अप्रैल 2023 को राजधानी लखनऊ में, तो इस पर बढ़ चढ़कर जरूर हिस्सा लीजिए, ताकि जो शासन स्तर पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग लगातार कई वर्षों से चल रही है और सरकार हर बार अनुपात और समानुपात का पाठ पढ़ा देती है डियर, उस पर लगाम लगे, और जो हमारे प्रशिक्षु बेरोजगार साथी टेट सीटेट पास किए, कई टेट सीटेट पास किए, इस तरीके की बेरोजगारी की दलदल में फंसे हुए हैं, उन सबको उबारना होगा और सरकार को कहीं ना कहीं सबक सिखाना होगा, झुकाना होगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को निकलवाने के लिए। तो आने वाली 15 अप्रैल को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लखनऊ की गलियों में एक बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। तो इस पर आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि जो पद हैं वो काफी मात्रा में खाली हैं, ये हमें और आप सबको पता है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अनुपात और समानुपात का जो पाठ है वो लगातार पिछले 5 साल से पढ़ा रही है और भर्ती देने की फिराक में नहीं है। तो हमें सड़क से लेकर के कोर्ट तक हर कंडे अपनाने हैं। 15 अप्रैल को निश्चित तौर पर लखनऊ में एक बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए और वो इस पर अपना स्टैंड रखेंगे। हालांकि मामला माननीय कोर्ट की शरण में भी है, कोर्ट में सारे एफिडेविट लगाए गए हैं। 3 मई को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दोबारा सुनवाई होने जा रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सरकार उस पर अपना जो जवाब है वो स्पष्ट रूप से
पेश करेगी। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इसी तरह की सटीक ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।